और साथ ही आपको बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामले में सिविल कोर्ट के जेसी एके मिश्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका के खारिज किया है। मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बताएं कि बीजेवाईएम नेता शशांक राज और अमृत रमन को जमानत मिली है। 4 जनवरी को ये हमला हुआ था मुख्यमंत्री के काफिले पर और पुलिस ने 76 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। 5/2021 के मामले में बीपी संख्या 496 में अमृत रमन का बेल ग्रांट किया गया। इसी तरह बीपी संख्या 511 में शशांक राज को बेल ग्रांट किया गया, लेकिन बीपी संख्या 540 में भैरव सिंह का बेल रिजेक्ट किया गया है। भैरव सिंह इस केस का मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ डायरी में पर्याप्त सबूत था और इसके खिलाफ कई केसेज न्यायालय में पंडित हैं, लंबित हैं, जिससे संबंधित आपराधिक इतिहास भी केस डायरी में संलग्न था, जिसके कारण इनका बेल रिजेक्ट किया गया। जब उन माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास को लौट रहे थे, उस समय ही चौक के करीब इन पर उनके टीम को रोककर इन पर हमला